नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऑयल फ्री स्नैक्स। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही आसानी से बनने वाले पनीर फिंगर्स, ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या डाइटिंग की वजह से स्नैक्स खा नहीं पाते हैं, वो लोग भी इसे आसानी से शौक से खा सकेंगे, क्योंकि इसमें एक बूंद भी तेल का यूज़ नहीं हुआ है। तो चलिए, इस हेल्दी रेसिपी को मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने चार पापड़ लिए हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी आधे कप पानी लिया है, एक नींबू का रस लिया है, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं, 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने लंबाई में इस तरह से काट लिया है, इसकी मोटाई इतनी ही रखना फ्रेंड्स, नमक लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं आज एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसे। ये खोल के मैं इसकी बास्केट भी दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए, ये बास्केट है फ्रेंड्स, बना के स्नैक्स हम इसके अंदर रखेंगे और इसे आसानी से हम खोल सकते हैं। ये दिखाती हूँ मैं, ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो इसकी ये बास्केट आराम से निकल जाती है, और इसको हम सफाई भी कर सकते हैं बाहर निकाल करके। फिर इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने इस तरह से लगाई है, इसको अंदर थोड़ा सा प्रेस करूँगी तो ये सेट हो गई अंदर। अब मैं इसको दोबारा लगा दूँगी। ये फ्रेंड्स टेम्परेचर का है ये, और ये टाइमिंग का है, इसमें टाइम फिक्स करते हैं हम। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम नींबू का रस रखेंगे और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 1.5 चम्मच डालना है फ्रेंड्स, घर का बना हुआ फ्रेश है, और 1 चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ये फ्रेंड्स मैंने मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि नमक भी अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। इस अच्छी तरह चलाएंगे तो नमक आसानी से जल्दी से घुल जाएगा। अब ये बहुत अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे, एक साथ सारा ना डालें, ये टूटने नहीं चाहिए। इस तरह से हम हाथ से डाल देंगे, एक एक दो दो कर करके, और चम्मच की सहायता से इन्हें मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, कि मसाला हर पीस पर अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्लेट में मैंने सूखा कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इन पीस को मैं इसमें कोट करके रखती जाऊँगी एक तरफ। इस तरह सारे पीस को मैं कोट कर लूँगी। इस तरह से कोट कर लेने हैं। इस तरह मैंने देखिए सारे कर लिए हैं। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए एक तरफ रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। अब ये हमने तवा गरम कर लिया है, अब इस पर हम ये रोस्ट कर लेंगे पापड़ को दबा दबा के, इस तरह से। तेल बिल्कुल नहीं लगाना है, ड्राई रोस्ट ही करना है। इस तरह से दबाएंगे, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सिक गया है। बाकी के भी मैं इसी तरह से सारे सेक लूँगी। ये सारे सिक गए हैं फ्रेंड्स। अब मैंने एक प्याली में 1/2 कप पानी लिया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसमें। ध्यान रहे 2 टेबल स्पून ही लेना है। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से घोल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेंड्स। अब मैं इसको प्रीहीट कर लेती हूँ 160 डिग्री पर, 5 मिनट के लिए करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 160 पर किया है, और ये 5 मिनट के लिए टाइम फिक्स कर दूँगी मैं। पाँच मिनट के लिए करना है फ्रेंड्स। ये देखिए लाइट भी जल गई इसमें। जब ये प्रीट हो जाएगा तो इसमें फ्रेंड्स एक आवाज़ सी आएगी,
ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्री हीट हो चुका है। ये मैंने पापड़ का चूरा बना लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से। मिक्सी में नहीं पीसना, इसी तरह से बनाना है। अभी हम पीस एक एक पीस लेंगे, इसमें डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर में और पापड़ के चूरे में अच्छी तरह से कोट करके रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से कोट करने हैं। एक एक पीस लेके डिप करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर में और इस तरह से हम सारे कोट कर लेंगे पापड़ में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कोट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। ये भी प्री हीट हो चुका है, मैं इसकी बास्केट निकाल लेती हूँ। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इस बहुत ही सावधानी से डालेंगे हम इसमें। ये मैं सारे पीस इसमें अरेंज कर लूँगी बहुत ही सावधानी पूर्वक, कि हमारा हाथ का ज़रा सा भी हिस्सा ना लगे इसमें। इसलिए ऐसे आसान आराम से डालेंगे, ऊपर से ये सारे डाल दिए हैं मैंने। अब मैं वापस लगा दे रही हूँ इसमें। फ्रेंड्स इसे 160 पर हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे 20 मिनट के लिए कर दे रही हूँ टाइमिंग। और फ्रेंड्स इसे बीच में जब 10 मिनट हो जाएं तो एक बार खोल के ज़रूर देखेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसे पलट लेंगे, हाँ सबको पलट देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सब जगह एक आसानी से आराम से बराबर सीखें। ये सारे अलट पलट कर दिए हैं मैंने, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया है। अब इसे वापस से लगा दूंगी, बाकी का टाइम जो बचा है अब हम उसमें ही इसको 18 मिनट। फ्रेंड्स हमें कुल मिलाकर ये 18 मिनट के लिए बनाए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ये सिक्के तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ मैं, अब बिना तेल के हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब बने हैं। आवाज़ सुन सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बने हैं, वो भी बिना तेल के। अंदर से देखिए फ्रेंड्स, अंदर तक अच्छी तरह से सीखे हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है, आप ये तो इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों को और बड़ों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और फ्रेंड्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको मैंने बिना तेल के बनाया है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।